आपका नाम है हमारा लो है ना। कोबरा है ना, कोबरा वो काटा कर तो मर जाता है। एक सांप मिला जिसको देखकर मैं डर गई क्योंकि मेरा पाँव पड़ने ही वाला था। आपका बॉडी लैंग्वेज समझता कि आप पूरा माथेरान चलोगे। हमको पत्थर में एक छोटा सा हिल स्पॉट है जो मुंबई से पुणे के बीच में 90 किलोमीटर के डिस्टेंस में लोकेटेड है और यहाँ पर रहने के लिए काफ़ी होटल्स हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि यहाँ बहुत होटल्स हैं। गिने चुने होटल्स हैं और सभी के सभी होटल्स जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको या तो टॉय ट्रेन का सहारा लेना पड़ेगा या फिर घोड़े पर जाना पड़ेगा या फिर जो कार्ट है जिसे इंसान खींचता है उस पर आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन अभी जल्दी आने वाला दैट इज़ ई रिक्शा, वो अभी थोड़ा ट्रायल बेस पे चल रहा है। माथेरान में मैं ये दूसरी तीसरी बार आ चुका हूँ और यहाँ का मुझे एक ही चीज़ डिफरेंट लगता है, वो है यहाँ पर जो एनवायरनमेंट के प्रति जो एक पहल की गई है। मैं नहीं कहूँगा कि हमने पहल की, ये तो ब्रिटिश टाइम से एक रूल बन चुका है, उन्होंने एक रूल बना दिया था कि यहाँ पर टॉय ट्रेन के अलावा कोई व्हीकल या मोटर व्हीकल यहाँ पर अलाउड नहीं रहेगा, जो शायद आज भी बरकरार है और एक नया एक चैप्टर ऐड किया जा रहा है दैट इज़ ई रिक्शा के रूप में, जो अभी ट्रायल बेस पे ही है। स्कूल के बच्चों को लाया जा रहा है अभी और हो सकता है कि आने वाले दिनों, जैसे कल्पना ने कहा कि हो सकता है आने वाले दिनों में ये रेवोल्यूशन भी बन जाए, लेकिन जो एक स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पर, जो एक लोगों का डेडिकेशन है, वो ये है कि यहाँ पर पॉल्यूशन ना हो, का जो नेचर का जो पीस है वो अफेक्ट ना हो, उसके ऊपर जो नगर पालिका या लोगों का जो एक डेडिकेशन जिसके थ्रू ये व्हीकल्स यहाँ अलाउड नहीं है, वो एक मानने वाली बात है और वो हम सब के लिए एक लेसन है। हम शायद ये कभी अपने गांव अपने शहर में ना कर पाए, इसलिए मैं तो ये कहूँगा यहाँ आप ज़रूर आएँ और आकर एक नेचर के बीच में आप कैसे रह रहे हैं उसका इंजॉय कीजिए। क्या जाना पड़ेगा आगे? हाँ 2 मिनट। हाँ अभी तो टिकट नहीं है, टिकट लेके आएगा माथेरन। वो पॉइंट है जहाँ आपको अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, इसके बाद आपको या तो घोड़ा या फिर घोड़ा गाड़ी में जाना पड़ेगा। रिक्शा घोड़ा रिक्शा नहीं है, दैट इज पुलिंग, एक दो इंसान उसको खींचते हैं। माथेरन गिरिस्थान नगर परिषद दस्तूरी नाका एड्रेस। इसमें दो नहीं बैठ सकते ना, ये वाला हमारा है, ये है आपका, वही ना बेचारा खींचेंगे। हाँ हाँ आपके ऊपर ही रोजी रोटी ना। नहीं बाकी सब जगह बंद हो गया है अभी, इधर भी अभी बंद होने वाला है सर। अच्छा फिर क्या करोगे आप लोग? ये रिक्शा का प्रोसीजर चालू है। हाँ ई रिक्शा बैटरी पे। बिल्कुल शिमला में यही होता था, कोलकाता में भी, शिमला में यही था ज़्यादातर। संगीत लगा, क्या बात है, आ गया ठीक। हाँ ठीक है, एक मिनट, कौन सा गाड़ी आवाज कम हो रही है इनकी, यहाँ थोड़ा ठीक हो गए इनको कंफर्टेबल। कितना शानदार इसका आर्किटेक्चर है, ये 1852 या 53 का बना हुआ है और
इज अमंग वन ऑफ द हेरिटेज प्रॉपर्टी ऑफ माथेरन। इसकी अपनी ब्यूटी है। एक इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो काफ़ी हैरान करने वाली हैं, एक जिज्ञासा उठती है उसमें कि वो काम किस तरह से किया होगा अंग्रेज़ों ने, वो भी एक सोचने वाली बात है। इस मार्बल टेबल का साइज 4x10 के आसपास है और सिंगल पीस मार्बल है, और ये कहा जाता है कि 1850s का ही है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जहाँ ट्रांसपोर्टेशन आज भी नहीं है, तो उस वक्त ब्रिटिशर्स इसको यहाँ तक लाए कैसे होंगे। सिंगल पीस है मार्बल का। इस हेरिटेज प्रॉपर्टीज के अंदर अब काफी रूम्स बन चुके हैं जिसमें गेस्ट आकर रुकते हैं। और ये है पुराना हॉल जो कि ऑलमोस्ट 170 इयर्स के आसपास का हो चुका है। अब इसमें काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो चुकी हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं पुरानी ही है, जिनमें से एक अब ये एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी खासियत मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब देखने को तो ये आपको कोई खास नहीं लगेगा, जनरल इलेक्ट्रिक। अब इसके अंदर का वाह देखो, ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए है। ये सिस्टम डेवलप कर रखा था ब्रिटिशर्स ने, उनके लिए तो ये लग्जरी था। और एक आम इंडियन तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था कि भाई रेफ्रिजरेशन भी कुछ चीज़ है। अब सबसे कमाल की चीज़ है कि ये चलता कैसे था। ये देखो, ये एक कंपार्टमेंट है और यहाँ पर उस वक्त यहाँ कोयले का स्टीम से चलता था ये। बाबे काम देखो इसके, नमस्ते कर रहा है। हेलो, बैठ जाना इसमें। क्या आवाज है, ये म्यूजिक देखो। ये म्यूजिक इसको क्रिकेट बोलते हैं ना। ये हमारे जब जंगलों में जाते तो ये आवाज़ अक्सर सुनाई देता है, और यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद सुना तो अच्छा लग रहा है। हेलो हेलो, इधर आओ, कम इधर आओ, इधर आओ, अभी इधर आ जाइए, आ जा। क्या नाम है आपका? जूते देखो लाल हो चुके हैं। क्या बात है, ये दिखती है।
ये पूरा बॉडी गार्ड है हमारा, बंद बंद हो गया ना, इसने हमारा साथ नहीं छोड़ना। रुक जा, रुको, कम तो रुक गए। डायना, हेलो डायना, डायना थोड़ी है, डायना है। हेलो, नहीं तो रुक गया सच में। स्टॉप, स्टॉप, क्या बात है। अभी बेचारे डॉगी जो हमारे साथ कंटिन्यूस है पीछे 3-4 किलोमीटर से, तो जहाँ बैठते हैं वहीं बैठ जाती है। कल्पना ने इसका नाम क्या रखा है? डायना। डायना, डायना बोलो सुनती है। हाँ डायना, कम, ओए रुको, बेइज्जती करवाएगी यार। और कॉरिडोर देखो, नेचर में कॉरिडोर है। हाँ एक्चुअली में क्या हो रहा है कि इसका हमारे साथ होने का फायदा ये हो रहा है, यहाँ जितने भी लंगूर और बंदर हैं वो हमारे पास नहीं आ रहे हैं। और ये कहीं पता चला कि जैसे हमारा सफर खत्म हुआ, ये डॉगी बोले कि 500 रुपये दो भाई। मैंने तुम्हें गाइड किया, गाइड नहीं गार्ड किया। गाइड भी कर रही ना, देखो हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ ये भी हो सकता है। यहाँ बिल्कुल भी धूप नीचे नहीं आ रही, क्योंकि पेड़ इस ढंग से, देखो पेड़ इस ढंग से यहाँ पर ऊपर एक अम्ब्रेला का काम कर रहे हैं, और ये रास्ता बिल्कुल ढक रखा है पेड़ ने, और ठंडी हवा है। और डायना कहाँ चली गई? डायना स्टॉप, रुको, देखो रुक गए, पीछे देख रही है। आ रहे यहाँ हमारे जूतों का हालत ये है कि भी बिल्कुल लाल मिट्टी, और ये लाल हो चुके हैं जूते और पैंट। पैंट भी लाल हो गए। ये देखो, ये है डायना। हेलो डायना, इधर आओ, कम, क्या मिला? ये दो, आ जाओ चलो, हैं पैसे नहीं मांगने, अच्छा ज़्यादा एक बिस्किट खिलाऊंगा बस, ज़्यादा पैसे नहीं मांगने। पता नहीं आगे शॉप है भी कि नहीं। अरे कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, इस जंगल का कहीं तो अंत होगा। है यहाँ पर सांप? मैं तो डर गई, मैं डंडा समझा। इधर कहाँ गया? वो पत्तों के बीच में, और ये मुझे जंगल में खींच रखा है। अंदर घूम हो गया? नहीं, बुरा हो जा रहा है, इस गोइंग को कुछ जंगल हो गया पेड़ के पास। हाँ पेड़ के आगे हो जा रहा, हो जा रहा है। पता नहीं चल रहा है। हम भी औषध दे रहा उसका। अच्छा सब कितने लोग काटा यहाँ पर? काटते रहता है, काटते रहता है कभी कभी से। बहुत अच्छी बात है। मरता है भी उनका काटने से कहीं? ओ कोबरा है ना, कोबरा वो काटा कर तो मर जाता है। अच्छा उसको आप टीवी नहीं कर सकता। फिर मुझे तो डरा दिया, अब आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। कुछ नहीं होता आज, कुछ नहीं, अभी नहीं मिलेगा तुमको। ये कोई पॉइंट है? ओ बाप रे, आई डोंट नो इस पॉइंट का नाम क्या है, बट इट इज ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। ये क्या है, हम कहाँ हैं? है कल्पना? पूरा ग्लेज किया हुआ ताकि कोई गिरे नहीं। ओ क्या सीन है, ये एक्चुअली इसका हाइट है नीचे से, हम इतने हाइट पे हैं। संयुक्त वन व्यवस्था स्वीति माथेरन, अब ये सब मराठी में लिखा है, समझ आया तो सिर्फ ये है, प्लास्टिक मुक्त माथेरन।
हरित माथेरन स्वच्छ माथेरन, ये मैं समझ सकता हूँ। वाकई लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं इन सब चीज़ों के लिए, और सिर्फ हॉर्स राइडिंग के अलावा आपको पैदल ही आना पड़ेगा। यहाँ से भी देखो आपका कितना बढ़िया व्यू है। कहाँ चढ़ कर बैठी है? मैं ये देख रही हूँ यहाँ पर बिल्कुल प्लास्टिक अलाउड नहीं है, है? लेकिन इंसानों ने प्रूफ कर ही दिया है कि बोतल लेके आने आना है। प्रूफ हो गया ना कि यहाँ पर इंसान आ गए, है ना? इंसान कहाँ नहीं पहुँचता है, तो है।